डियर स्टूडेंट्स, आज मैं सिक्स एंट्रेंस एएमयू के स्टूडेंट्स के लिए उर्दू की क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं उर्दू में उन्हें पढ़ाऊंगा लड़का लड़की एक समान। ये एक नसीहत आमोज मजमून है। इसमें लिखने वाले का नाम नहीं दिया हुआ है कि किसने लिखा है, लेकिन बहुत ही नसीहत आमोज मजमून है। इसमें यह कहा गया है कि लड़का और लड़की में फर्क मत करिए, दोनों बिल्कुल बराबर हैं, दोनों के काम भी यकसा होते हैं, इस वजह से आप इन दोनों को बराबर समझकर, बराबर ख्याल करके अच्छे से परवरिश करिए। परवरिश करने में किसी तरह की भेदभाव मत करिए कि ये लड़का है और ये लड़की है, दोनों एक समान हैं, इस वजह से दोनों पे वैसे ही ध्यान दीजिए। यानी कि जैसे लड़का पे ध्यान देते हैं, वैसे लड़की पर भी ध्यान दीजिए। यही इस कहानी की मेन जो है कि नहीं वो मफहूम है या बात है। अब इसके बाद के आखिर में कुछ एक्सरसाइज मस्त दिए हुए हैं, तो आइए उसे कर लेते हैं, क्योंकि इसी से आपके टेस्ट में सवाल आप पूछे जाएंगे, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आप इसे लिख लें और लिखने के बाद इसे आप याद भी करें। आइए लफ्ज मानी में देखते हैं। समान यानी बराबर, जहन यानी दिमाग, अब मुहावरा है आंख लग जाना यानी सो जाना, तरस आना यानी हमदर्दी पैदा होना, चेहरा उतर जाना चेहरे से थकन का पता चलना। अब इसके बाद इस बात के आखिर में कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। कहा गया है कि मुजक्कर और मुअन्नस अलग करके लिखिए, तो मैंने दो कॉलम बनाया, एक मुजक्कर का एक मुअन्नस का। जितने अल्फाज मुजक्कर है उसको मुजक्कर में लिख दिया और जो अल्फाज मुअन्नस है उसे मुअन्नस में लिख दिया। इसे भी आप लिख लें। पतंग मुजक्कर है, मुजक्कर मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मैस्कुलिन फेमिनिन, नर मादा। पतंग मुजक्कर, दिन मुजक्कर, पेड़ मुजक्कर, मेहनत मुजक्कर, वक्त मुजक्कर, मिट्टू मुजक्कर, अंडा मुजक्कर, बर्तन मुजक्कर, धुआं मुजक्कर। और इसमें चंद अल्फाज मुअन्नस भी हैं। भूख मुअन्नस, भूख लगी है। बात बात अच्छी है, बात मुअन्नस। छुट्टी हो गई, छुट्टी मुअन्नस है। और बहन, ये भी मुअन्नस है। अब इसके बाद में वाहिद और जमा भी है। वाहिद यानी के एक और जमा यानी के एक से ज्यादा। सिंगुलर जिसे इंग्लिश में कहते हैं और प्लुरल, सिंगुलर यानी वाहिद, प्लुरल यानी जमा। हिंदी में एक वचन और बहुवचन। तो आइए देखते हैं वक्त की जमा औकात। आमतौर से लोग वक्तों भी कह देते हैं। वक्तों भी सही है, जो ऑप्शन में होगा वो लिखिएगा, लेकिन वैसे औकात ही होता है। शिकायत की जमा शिकायत, ख्याल की जमा ख्यालात, आदत की जमा आदात, आदत की जमा आदात। और यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, एहसास की जमा एहसास की जमा एहसास। उसी तरह मुश्किल की जमा मुश्किलात, वाकया की जमा वाकया। तो ये थे इसके यानी इस चैप्टर के, इस बाब के वाहिद और जमा। इस तरह से तीन तरह के एक्सरसाइज इस चैप्टर में दिए हुए हैं। आप इसे नोट कर लें और अच्छी तरह से इसे आप याद भी कर लीजिएगा। उर्दू में इसी किताब से आपके सवालात आने हैं। ये किताब यहाँ पे फिफ्थ
क्लास पांचवें क्लास में चलती है एएमयू में इब्तदाई उर्दू के नाम से, बल्कि आप इसे ख़रीद लें तो ज़्यादा अच्छा है और इसमें जो भी एक्सरसाइज हैं उसको अच्छी तरह से, वैसे मैं करा भी रहा हूँ तो आप ना भी ख़रीदें तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैं वही चीज़ पूरी किताब के जितने भी एक्सरसाइज हैं सब मैं आपको करा ही रहा हूँ। उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और हर क्लास की रेगुलर कोचिंग और कॉम्पिटिटिव कोचिंग का घर बैठे लुत्फ उठाएं, आनंद लें। थैंक यू वेरी मच।